भाई कुछ काम कर रहे हैं तो जीत रहे हैं, अब ये भी अगर कुछ काम करेंगे तो जीतेंगे, नहीं काम करेंगे तो भी जो जनता डिसाइड करेगी वो होगा। अनिस साहब है काउंसलर, 3 बार से लगातार वो जीते आए हैं, आप 4थी बार उनकी वाइफ जीती है, तो अब कुछ तो काम कर ही रहे होंगे तभी तो जीत रहे हैं। दिल्ली में निकलना बहुत मुश्किल हो रहा, कुछ काम हो ही नहीं रहा, वरना पब्लिक इतनी यहाँ रह रही है उनको क्यों वोट दे रही है भाई? जब हमारा काम नहीं कर रहा तो वोट तुम्हें क्यों दें? जब हमारा काम ही नहीं करोगे तो हम आपको सपोर्ट भी क्यों करेंगे? देखिए पीछे आपसे पहले ना बहुत सारे मीटर नहीं लगते थे, उनकी हाइट ज्यादा होती थी ना, तो वो बिल्डिंग में मीटर नहीं लगते थे ना। हमने ये स्कीम निकाली थी कि जो है 17.5 मीटर तक इसकी पार्किंग, तो 17.5 मीटर तक मीटर लगा दिए गए, पार्किंग नहीं है 15 मीटर तक। जो बिल्डिंग बाय लॉस है जो एमसीडी का बनाया हुआ है, तो बिल्डिंग बाई लॉस के हिसाब से 17.5 मीटर लगा दिए, क्योंकि हाईकोर्ट का एक केस है जिसमें हाईकोर्ट ने उन बिल्डिंग्स पर जहाँ पर एमसीडी का ऑब्जेक्शन है, तो उन बिल्डिंग को जो है जिन्होंने एमसीडी में बुक कर रखा है तो वहाँ पर वो मीटर नहीं लगा, लेकिन हमने ये किया कि जिस फ्लोर पर वो ऑब्जेक्शन है उस पर न लगा कर बाकी सब पर लगा दिया, उसमें बात चल रही है, ये मैक्सिमम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, लेकिन ये हमारी मजबूरी है क्योंकि आपको होगा। लोगों का कहना है कि अब से नहीं, ये प्रॉब्लम उनको काफी टाइम से फेस करनी पड़ रही है, और बीएससीएस की तरफ से बहुत सारा रूल्स आ रहे हैं जिनकी वजह से परेशानियां हो रही हैं, तो आपके इसको लेके क्या प्लान्स हैं? देखिए बिल्डिंग बाय लॉस के हिसाब से लोग बनाते नहीं है, फ्लोर जो है वहाँ 17.5 मीटर मैक्सिमम होना चाहिए स्ट्रीट पार्किंग के साथ में, लेकिन यहाँ जो है लोग 20-20 मीटर 25-25 मीटर तक की रूम है, तो जो बिल्डिंग बाय लॉज है जो कानून है उस कानून के दायरे में अगर सब रहेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। एमसीडी है, एमसीडी ऑब्जेक्शन कहते हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उस पर एमसीडी ऑब्जेक्शन करती है, तो हम लोग जो एमसीडी में भी हमारी अब सरकार है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। पहले तकरीबन 6-7 हज़ार 8 हज़ार ऐसे कनेक्शन थे जो नहीं लगते थे, लेकिन तो सिर्फ 200-250 कनेक्शन है जसोला की, तो उनका कहना है कि उन्होंने एक आंदोलन कर दिया था जिससे आपने उनको लोगों के वहां को ताना दिया था कि और करो मेरे खिलाफ आंदोलन, तो अब तो मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं फंड्स नहीं दूंगा, उन्होंने हमें लिए कही कि इस बार उन्हें 25 लाख का बजट दिया जबकि हर बार उन्हें 2 करोड़ का बजट दिया जाता है, उससे हमारा फंड से क्या लेना देना है उनके लिए, कि वो पार्षद है उनका अलग काम है, मेरा अलग काम है, दिल्ली सरकार के अलग काम है, तो हम लोग तो एमसीडी को क्यों फंड दें? हम लोग अपने फंड कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एमसीडी का जो पार्षद है उसको तो कभी हमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन हमने अब सारे पूरे इलाके के जितने वो 16 है 16 में सारे लोग हम लोग बनाए हैं, बना दिए तकरीबन कुछ कही होंगी, बाकी 100% मैंने नगर बदलाव की सड़कें हमने देखी हैं, वो अब से नहीं काफी टाइम से टूटी हुई है, और लोगों का कहना है कि उन वो सड़क तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आपकी जो खुद की गतिबाजी सड़क है वो आपने 4 बार बनवा दी, और आधी गली का सीवर लाइन डाला था उनके पास, कई बार हम शिकायत करके आ चुके हैं। आप देखो ना कैसे जा रहे, देखो चलो एक बार तो ईंट में पैर रखेगा या रखेगा निकल जाएगा, मेरी बात कैसे पानी हमेशा रहता है, और इससे मच्छर बीमारी घर घर बुखार हो रहे हैं, और आधी गली का सीवर लाइन डाला था उन्होंने, उनके पास कई बार हम शिकायत करके आ चुके हैं। पहली बार कभी सड़क बनी नहीं थी तो एमसीडी की सड़क है,
ये कभी नहीं बनी, पहली बार बन रही है 8 साल 9 साल 9 साल पहले बनाई थी मैंने, 8 साल पहले आया था, तो आधा एरिया मैंने बनाया था आधा ये, तो ये पहली बार वैसा नहीं है, सब जगह काम चल रहा है। तकरीबन 4500 के तो शाइन बाहुल फिल्म बना दी, सारे पीछे बने, तो जो खुद ही है जहाँ पर सीवर डल रहा है वो तो बननी है, वो चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, तो ये कोई बात थोड़ी है कि मेरी सड़क है, उसको भी लोग ही चलते हैं। और मैं 8 साल में 9 साल में बन रही हूँ पहली बार, जबकि वो इलाका 2-2 बार हम बना चुके, तो ऐसा नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और हमने पूरा जो MCD की सड़कें हैं, जैसे मेन रोड MCD के अंदर आता है, जैसे पुराना मतला हाउस है, पुराना जो भाई डाकिर नगर है, ये सब MCD का एरिया है उसका गाँव, लेकिन वहाँ पर भी हम काम करा रहे हैं मेन रोड को हम बनाए। तो MCD के जो पार्षद है वो एक सड़क नहीं उन्होंने कोई बनाई, और क्योंकि नहीं बनाने का भी इल्जाम हम पर ही है, बनाने का भी जो काम हम करते हैं हमारे पास। MCD का इल्जाम यही है कि आपकी तरफ से फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं। नहीं उनका अपना फंड भी तो है, वो पार्षद है, उनको लोगों ने जिताया है, वो हम ब्लेम गेम खेल करते हैं उनके साथ, पार्शियलिटी की जाती है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के हैं या फिर BJP पार्टी के हैं और जो सरकार है वो आपकी है। देखिए सारी सड़कें तो मैं बनाई रहा हूँ और सारे सीवर भी मैं डाल रहा हूँ, वो सिर्फ इतना सा काम कर लें कि जो मैंने सड़क बनाई है उस पर झाड़ू लगा, क्योंकि बारिश होने के बाद जो उस पर मिट्टी और कीचड़ है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उस पर झाड़ू में मिट्टी नहीं उठा दे, वो झाड़ू लगा दें मिट्टी उठा दें। जहां पर जो सड़कें बना दी, मैं कह रहा हूँ चलो आप मत बनाओ 100% एरिया में झाड़ू मत लगाओ, लेकिन जो सड़कें बना दी है बनी हुई है, जैसे पूरा HBlock राजेंद्र नगर बना हुआ है, पूरा गड्ढा कॉलोनी बना हुआ है, पूरा ये राजेंद्र नगर वेस्ट, पूरा मुरादी रोड की सारी गलियां बनी हुई है, E-Block R-Block S-Block की तकरीबन सारी गलियां बनी हुई है, तो इन्हीं गलियों में वो सफाई कराने, पूरा ये वाला H-Block है जहाँ ये मेरे घर के पीछे का पूरा इलाका है, सारा सारा बना हुआ है, इन्हीं गलियों में वो सफाई करा। H-Block की हमने गलियां देखी है वो आधी बनी हुई है आधी टूटी हुई है, और उनका ये कहना है कि अब से नहीं करीबन 1 साल हो गया हमने H-Block 100% बनाया होकर आई हूँ अलग है, जो पुराना है वो मैंने बनाया था नए में, क्योंकि सीवर डलता है H-Block मुरादी रोड में, H-Block जाकर मैं वही बात करूँ। तो H-Block मुरादी रोड की जो गलियां हैं जो अब नए सीवर में जुड़ना है जाकर, क्योंकि वो लास्ट का एरिया है, तो सबसे पहले जहाँ पर पूरा इलाका होगा वहां पर वो सीवर पड़ेगा, क्योंकि सीवर का अपना एक सिस्टम है, कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते, तो सीवर हमेशा आउटफॉल से शुरू होता है जहाँ पर वो जा रहा होता है, तो आउटफॉल से भी हम लोग जो है अलनूर मस्जिद तक हमने डाला, उसके बाद H-Block शुरू होता है, अलनूर मस्जिद के फौरन बाद जो है वो H-Block जो है वो ससैया रोड वाला एरिया है, जो मुरादी रोड से शाह मस्जिद वाला एरिया, तो उसमें हम आएंगे, क्योंकि अभी हमने जितना अभी हमने खोदा हुआ है या जितना हमने सीवर डाल दी है अभी हमारा स्पेसिफिक है उसको कम्प्लीट करने के बाद हम नया खोलेंगे ताकि लोगों को परेशानी। 20 फुट की गलियों की बात आ जाते हैं उसके भी वो 1 साल से खुदी हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए सीवर पूरा पहले सीवर डालना है, ये ऐसा तो है नहीं कि पहले बरसात ही पड़ती थी, अभी सीवर है, पहले सीवर डालना, फिर उस पर जो है गैस की लाइन डालना, पानी की लाइन डालना, फिर उसके बाद उसको खोद करके बनाना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो सड़क तोड़ करके मिट्टी उठा करके उसको लेवल मेंटेन करना है, हम लोग लेवल मेंटेन करते हैं। पहले क्या होता था कि मुझसे पहले जो भी थे वो कभी सड़क नहीं खोदते थे, इलाके ऊंचा करते चले जाते थे, जिसकी वजह से लोग मकान नीचे हो गए। हमारे टाइम में मैं जब से बना हूँ 8 साल में 8.5 साल में एक भी गली ऐसी नहीं है जो हमने खोद करके तोड़ करके लेवल जो पुराना था उसको मेंटेन करना चाहिए, सबसे मुश्किल काम ये है, इसी में ही गोलमोल करते थे लेवल का मिट्टी उठाना खोदना, इसमें इनका सब सिस्टम, तो हमारे यहाँ ऐसा भी सिस्टम है, तो इसलिए खोद कर बनाना है। 8.5 साल में आपने रेगुलराइज कॉलोनी के लिए कितना बजट किया है? रेगुलराइज कॉलोनी कौन सी रेगुलराइज, मैंने तो सभी जगह काम किया है। और ये भी कहना है कि आप अनऑथराइज कॉलोनी में MCD से काम नहीं कराते हैं, उसका क्या रीजन है? हमारे अपने दिल्ली सरकार के आधीन आने वाले लोग हैं, क्योंकि सबसे पहले तो BJP के होना है, MCD में क्यों कराऊंगा मैं अनऑथराइज से, अनऑथराइज कराऊंगी जब सारा पैसा हमने देना है, तो हमारे जो है वो बाकायदा उसके लिए हैं, हमारी साइन है, ये डिपार्टमेंट जो है अनऑथराइज में काम करेंगे, तो हम लोग तो अपने फ्लड एजुकेशन से फुली सेटिस्फाई हैं, जो भी सेटिस्फाई हैं उससे हम काम करते हैं। लोगों का कहना है कि 3 एजेंसी यहाँ पे काम करती हैं जिनमें से एक तो फ्लड कंट्रोल हो गई, एक MCD हो गई, लोगों का कहना है कि फ्लड कंट्रोल अच्छा काम नहीं कर रही है, तो आप MCD से काम क्यों नहीं करा? कौन कह रहा है? जनता? कौन सी जनता? पार्षद जी? जनता कह रही है। नहीं ऐसा नहीं है, फ्लड इरिगेशन ही काम करता चला है यहाँ, तो हमारे अधीन है, हमारा ऐसा नहीं है कि फ्लड इरिगेशन काम नहीं करता।
काम तो सबके कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, तो वही कॉन्ट्रैक्टर एमसीडी में है, वही कॉन्ट्रैक्टर फ्लड इरीगेशन में है, तो ऐसा पता नहीं। लेकिन फ्लड इरीगेशन एमसीडी से क्यों कराएंगे हम, जो हमारे पास फ्लड इरीगेशन है। आपके सराहना काम की बात कर लेते हैं, जो ट्रांसफॉर्म थे वो आपने उठा के पीछे रखवा दिए, जिनकी वजह से काफी लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो ठीक हो चुकी है। अच्छा, एक स्कूल की बात आ जाती है, जो आपने बदला उसमें स्कूल था वो अच्छा है, मतलब उसकी बिल्डिंग जो थी वो काफी अब अच्छी बन चुकी है, लेकिन लोग उससे भी परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले बिल्डिंग ज्यादा बड़ी थी, अब उसको छोटी कर दी गई है, और पहले 12th तक क्लासेस होती थी, अब 8th तक हो गई है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कहते हैं पहले कितने रूम थे, पहले 40 रूम थे, अब 64 रूम्स हैं, बाहर भी जगह है, पहले 2 मंजिल इमारत थी, अब 4 मंजिल इमारत है, तो अब तो 64 कमरे हैं, तो कम कैसे हो गए, तो बढ़ गया। मिडिल क्लास, यहाँ नर्सरी से लेकर के अब ये मिडिल 8th क्लास तक का स्कूल है, उसके बाद हमारा फीडर स्कूल जो है वो डिफरेंट स्कूल में जोगा भाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये जो जोगा भाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये बदलाव से ही जाकर के जोगा भाई से ही शिफ्ट हुआ था, जो आज वहाँ 140 से ज़्यादा कमरे हैं, एक बड़ा स्कूल वो है, और ये वो पुराना स्कूल नहीं है, ये नया इंडोर आया है, ये नया स्कूल है। अगर हम पुराने को यहाँ शिफ्ट कर देते तो फिर हमारे नए बनाने का कोई फायदा था नहीं। अब जाकिर नगर के जो लोग हैं उसके लिए फीडर है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो चंद्रशेखर पुराना स्कूल है वो है, और जो जोगा भाई बटला हाउस के लोग हैं उनके लिए जोगा भाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो आपको 2 स्कूल तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो स्कूल है वो मिल गया, एक स्कूल जोगा भाई मिल गया। अभी हम लोग एक जसोला में जो पुराना स्कूल था उसमें हम तकरीबन 100 कुछ रूम हम बना रहे हैं, 96 रूम एक हैं, 96 रूम हम उसमें नए में बना रहे हैं, सारे तोड़ करके। अभी 2 मंजिला इमारत है तो उसको डेंजर जोन में घोषित कर दिया, तो बच्चों को शिफ्ट करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें वो हम लोग वहाँ भी पूरी नई इमारत बनाने जा रहे हैं जिसमें 90 रूम होंगे, और पुराना अलग से हमने जो पहले बनाई थी वो एक इमारत थी, तो नए भी हम लोगों ने कुछ जो है जगहें देखी हैं जिसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ और स्कूल्स बन जाए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और उसके चलते स्कूल बनने चाहिए। लेकिन हमने जो काम किए पिछले 8 साल में, जैसे लाइट का ही है, लाइट जब 10% आबादी हुआ करती थी तो ये लोग जब सरकार में थे तो इनसे दूसरी इलाके में लाइट नहीं मिलती थी, आज तक ये सड़कों पर से ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं कर पाए थे, 24 घंटे 48 घंटे किस इलाके में लाइट नहीं मिलती हमारे रहते हैं, आबादी बढ़ने के बाद 24 घंटे लाइट अवेलेबल है, सीवर नहीं था, 100% एरिया को सीवर से जोड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ वक्ती तकलीफ है। कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं, ये कह सकता है कि खुद ही हुई है सड़क में सीवर, पहले तो पानी भरा होता था, अब वहाँ कीचड़ होती थी, अब पानी नहीं है तो सड़क है, सड़क को भी हम लोग बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्पीड अप किया जाए, क्योंकि सीवर हम ज़्यादातर जरूरत थी तो सीवर स्पीड से डाला, अब उसको भी मैक्सिमम एरिया जो 20 फीट की तरफ का है उसमें 4 या 5 गलियाँ रहती हैं, 3-4 पतली गलियाँ हैं और 3-4 जो चौड़ी गलियाँ हैं, उनको भी हम लोग आने वाले हफ्ते में कर लेंगे। पूरे दिल्ली में बारिश हो रहा है, पानी भरा, लेकिन प्लानिंग नहीं पानी जो है यमुना का पानी को हमने पूरी तरह से कंट्रोल किया, लोगों की परेशानी भी है। अभी बाढ़ आई थी तो बोला गया है कि ओखला में भी पानी आ गया है, तो फिर आपने ओखला के लोगों के लिए क्या किया, जिनके घर डूब गए उनके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? एक भी घर ऐसा नहीं है जो डूबा हुआ, सिर्फ कुछ झुग्गियाँ थी, जो हमने उन झुग्गियों को तकरीबन 60-65 फैमिलीज थी उन झुग्गियों में, उनको हमने स्कूल में जोगा भाई स्कूल है उसके अंदर शिफ्ट किया, लेकिन उनको खाने का मार्के का इंतजाम किया, बेटा रहने का, लेकिन एक हफ्ते के अंदर हमने उस इलाके का पानी चला गया, तो उसको ठीक करके पानी सुखा करके उनको वहीं शिफ्ट कर दिया, तो ये कौन सा घर है जिसमें पानी लगता। हमने जो बंद किया था, जो यहाँ से जो आउटफॉल था जिससे आने का अंदेशा था वो हमने बंद किया था, तो वही इलाके का घरों का पानी ही वापस किसी घर में अगर आ जाओ तो अलग बात है, लेकिन यमुना का पानी किसी घर में नहीं आने दिया। अच्छा, दिल्ली में 2 जगह पे मस्जिद गिराने की बात हो गई है, एक तो ITO में, एक बंगाली मार्केट में, तो उस पर आपकी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? क्योंकि बार बार ऐसे देखिए नोटिस आ रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं गिर रही है मस्जिदें, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्जिदों को इतना गिराया जा रहा है, उसका क्या आपको लगता है? नहीं, वो आपको शायद नॉलेज नहीं है, उसमें रेलवे ने दोनों मेरी पिटीशन पर वो दोनों मस्जिदों पे स्टे हो गया। शिक्षा को लेकर आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? शिक्षा तो आप देख रहे हैं, हमने
प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं थी एमसीडी में, तो अब हम लोग एमसीडी में आए हैं तो प्राइमरी एजुकेशन ठीक करेंगे और उसके बाद सीनियर जो है 6 to 12 तो हम लोगों ने प्रिपेयर किया ही है, तो उस पर तो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में शायद पहली ऐसी सरकार है जिसने एजुकेशन पर काम किया है, और वही एजुकेशन मंत्री जिसने ईमानदारी से काम किया, जिसने पूरी शिक्षा मॉडल को बदला, आज जेल में हम लोगों ने एक छोटे केस में जेल डाल दिया। अच्छा उसमें हमें नशे के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी नौजवान अपनी जाने गंवा चुके हैं नशे के चलते, तो उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? हम लोग क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, दिल्ली की ये मजबूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश ला कर किए, जो अधिकारी हमारे पास थे भी डीएम थे डीएम थे जो थे वो अपने पास थे, तमाम बोर्ड्स जो भी ऑटोनोमस बॉडी हैं जैसे बोर्ड वो भी सब ले लिए, तो दिल्ली की अपनी एक प्रॉब्लम है कि केंद्र सरकार जो हमारे अधिकार हैं उसमें भी ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने पीछे मार्केट्स को बंद कर टाइम से बंद करने का किया, पीछे नशे के जहाँ जहाँ जो मेडिकल स्टोर थे जो टैबलेट्स बेचते थे या इंजेक्शन बेचते थे उन पर हमने लगाम लगाया, उनको चिन्हित किया ये है उस पर काम किया, और आइंदा भी आरडब्ल्यू के जरिए मैंने पूरे एरिया आरडब्ल्यू बनाए हैं उनके जरिए इनका भी हम काम करेंगे, ताकि हर एक घर का बच्चा अगर कोई ऐसा है हमें उसकी निशानदेही कर सकें कि ये बच्चा नशे करता है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र में किसी भी परमिशन देती है उसको रोका जा सके। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम पूरी कोशिश करेंगे जनता तक आपके ये सारे जवाब पहुंचाने की, तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए टुडे चैनल।